हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है प्लम ग्रीन टी टोनर। तो ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये एक टोनर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए। हमें टोनर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए अपने रेगुलर स्किन के रूटीन से। ये हमारे स्किन को डीपली क्लीन करने में हेल्प करता है। तो ये जो मेरे पास टोनर है वो प्लम का ग्रीन टी टोनर है और ये अल्कोहल फ्री है, जो काफ़ी अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। उन लोगों को अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट ही यूज़ करना चाहिए। तो ये टोनर उन लोगों को बहुत ही अच्छे से सूट करने वाला है मेरे हिसाब से। और क्योंकि ये टोनर अल्कोहल फ्री है, तो इसे अप्लाई करने के बाद स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है, ना ही ऑयल क्रिएट होता है। तो इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो ग्रीन टी है, जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारे पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करती है। ये प्रोडक्ट एक्ने पिंपल्स को रिमूव करने में हेल्प करती ही है, साथ ही साथ ये एक्ने पिंपल्स के वजह से जो दाग धब्बे हमारे स्किन पे हो जाते हैं उसे भी अच्छे से रिमूव कर देती है। डर्ट डस्ट को भी रिमूव कर देती है, एक्सेस ऑयल को आने से रोकती है, पोर्स को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करती है, स्किन को टाइटन करती है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और इसे अप्लाई करने के बाद कुछ सेकेंड के लिए कूलिंग सेंसेशन सा फील होता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रेश सा फील होता है। और इसे आपको क्लीन फेस पे अप्लाई करना है कोई भी फेस वॉश करने के बाद। और ये टोनर को लगाने के लिए आपको कॉटन पैड लेना है और 3-4 ड्रॉप डालकर अपने पूरे फेस पे कॉटन से ये टोनर को लगाना है और फिर इसे ड्राई होने देना है। और जब ये ड्राई हो जाए तब आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसका अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको इसे 2 टाइम्स डेली अप्लाई करना होगा अपने फेस पे, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में सोने से पहले। और ये टोनर स्पेशली ऑयली स्किन टाइप के लिए, एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए, पिंपल स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है। तो अब इसकी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। इसकी प्राइस है 380 रुपीज़ और क्वांटिटी है 200 ml की। और आप इसे 2 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर। और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, आप इसे अपने आसपास के कॉस्मेटिक स्टोर्स या कोई भी स्टोर्स से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये बस ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ही अवेलेबल है। आप नाइका या पर्पल, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सारा कुछ डिटेल में दिया गया है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंग्रेडिएंट दी गई है। ग्रीन टी के अलावा इसमें एक्वा, ग्लिसरीन, ग्लाइकोलिक एसिड, FDA अप्रूव्ड कलर्स, फ्रेगनेंस है। तो अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैकेजिंग की गई है। इसके साथ कोई भी आउटर कार्डबोर्ड की पैकेजिंग नहीं आती है, ये बस वाइट कलर की प्लास्टिक बॉटल
में ही आती है और इसे ओपन करने की सिस्टम कुछ अलग है। इसे प्रेस करने से ये ओपन हो जाता है और फिर ये होल से प्रोडक्ट गिरने लग जाता है। तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, स्टडी पैकेजिंग है। आप इसे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसकी टेक्सचर आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम रनिंग है, वाटर जैसी। और फ्रेग्रेंस बहुत ही सॉफ्ट सी है, माइल्ड है और ये स्किन पे तुरंत से एब्जॉर्ब हो जाती है, टाइम नहीं लगता एब्जॉर्ब होने में। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रॉन स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए। तो आप इसे एक ट्राई दे सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू ये प्रोडक्ट को लेकर। आई होप कि मेरा रिव्यू पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।